चलिए तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी कक्षा छठवी की, पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग अभी तक 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करने वाले हैं भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसके साथ समाप्त होने के बाद आज तक हम लोग 3 किताबें आपकी एनसीईआरटी की खत्म कर चुके हैं। पहली हम लोगों ने देखी थी कक्षा छठवीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक, हमारा अतीत भाग एक। फिर इसमें यही हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है। एक और हमारी बुक बची हुई है विज्ञान, तो इसके खत्म होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान के बारे में, ठीक। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार में पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर भी देखते हैं तथा अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाली वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम आपका कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों की बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों आप खाना गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, इसे क्या कहते हैं? सर्दी। मार्च से मई तक गर्म मौसम, इसे क्या कहते हैं? गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, इसे हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद ऋतु कहलाता है। अब याद रखिए, अब इसमें समझाने लायक है क्या? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अब आप लोग एक बार पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है, इसे क्या कहते हैं? ठंड का मौसम या सर्दी। मार्च से मई तक का गर्म मौसम गर्मी होती है, इसे गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, तो इसे वर्षा ऋतु कह दो। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय, तो इसे शरद ऋतु हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। यही शीत ऋतु है आपकी। जब उत्तर भारत का तापमान कम हो जाएगा तो वहां ठंड पड़ेगी। समझ में आया? फिर आपका ग्रीष्म ऋतु। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवने बहती हैं, जिसे हम लोग लू कहते हैं, और गर्म जब रहेगा तो उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब वे पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा करती हैं। जब आपकी पवने आएंगी, इसमें आपकी वो नमी लाएंगी तो पहाड़ों से टकराएंगी, यही आपकी वर्षा करेंगी। मानसून के लौटने के समय मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, या मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। मानसून के लौटते समय तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं?
भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द आपका अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून शब्द जो आपका ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी वर्षा से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। इसीलिए हमारे देश की कृषि को मौसम का युवा कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। स्थिति स्थान की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है तो याद रखना है उसकी स्थिति ऊंचाई समुद्र से दूरी उच्चावच पर निर्भरता। इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्वास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई कोलकाता की जलवायु मध्यम है, बिना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंड। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं, तो आपकी मेघालय में सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादक जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास झाड़ियां पौधे जो कि बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पतियां, मैंगो वन। ये यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलता भी हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्व राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एवोनी तथा रोज वुड हैं। फिर है आपके उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं हम लोग। ये कम घने होते हैं, वो वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं आपके साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये हैं आपके, ठीक है। फिर आपकी कंटीली झाड़ियां। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, गुजरात में पाई जाती हैं कंटीली झाड़ी, ठीक है। ये है आपकी। फिर है आपके पर्वतीय वनस्पति।
पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन, देवदार। ठीक है, ये पर्वतीय वन है आपके। फिर है आपके मैंगो वन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके मैंगो वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा। ठीक है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, हमें वनों की आखिर आवश्यकता क्यों होती है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार के वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन भी प्राप्त होता है। लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी होते हैं। पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वनोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ये आपके पेड़ों से लाभ होने वाले। दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, मिट्टी को बांधना, ठीक, रबड़, इमारती लकड़ी, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, गोंद, लाख, फल, शहद, ठीक, ये आपको पेड़ों से मिलने वाले फायदे। बात करते हैं वन्य जीव, वन प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह आपका बाघ दिख रहा है। यह देश में विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरे, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक खास जगह में कुछ मतलब महत्वपूर्ण पशु हैं जैसे सिंह, एक सिंह वाले गैंडे आपके असम में, ठीक है, जैसे प्रसिद्ध है, मतलब आपके जैसे गिर में गुजरात के गिरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। ठीक, इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि ही हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। उद्यान जो होते हैं, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा और करेत प्रमुख हैं आपके। वनों की कटने तथा जानवरों की शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनको बचाने के लिए आपके नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षित किए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजना शुरू की है। ठीक है, आप वन्यजीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। उन्नीस सौ 1973 में आपका वन्यजीव
चला था टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अभी रिपोर्ट आई हुई है 2018 की, तो 1967 आपके 1967 आपके कुल टाइगर हैं, ठीक, जिनमें से मध्य प्रदेश में सबसे 625 सॉरी, ठीक। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन कैन स्टॉक, फिलेपिंगो, मिंगो, पिनटेल, बतख, करलियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन कैन साइबेरिया से सितंबर से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। इससे संबंधित आपके एक क्वेश्चन है, इन्हें देख लेना, ठीक है, अभ्यास के लिए है। याद रखिए आपकी जो भी पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर पहुंच चुकी है, ठीक है, वहां से डाउनलोड करते रहिए। तो ये थी आपकी पृथ्वी हमारा आवास जो बुक्स थी, आज तक हम लोग खत्म कर चुके हैं उसे। आगे हम लोग शुरू करेंगे कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी विज्ञान के बारे में, ठीक है।